हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो की शुरुआत देखिए, बहुत ही प्यारे से ये पिंक रैन लिली के साथ, और साथ में एक मेरा वाइट वाला पहला, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। ये देखिए, अब मेरे सारे अपराजिता बहुत सुंदर से खिल रहे हैं। देखिए अपराजिता के मेरे पास 3-4 प्लांट हैं, ऊपर में तो 3 हैं, नीचे एक आंगन में है। ये देखिए जो छोटे से पॉट में मेरा लगा था ये अपराजिता, देखिए अपराजिता का साइज़ देखिए फ्लावर्स के, मेरे को इतने पसंद है इसके फ्लावर्स। मेरे को लगता है जितने भी ये ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए कनेर के साइज़ भी अब बड़े हो गए, तो मैं तो आपको अपने फ्लावर्स दिखाने में लग गई। मेरे को आपसे अपने काम शेयर करने हैं। कल थोड़े से मैंने और भी 3 प्लांट्स की रिपोर्टिंग की, एक पीपल, एक जोरा और एक कनेर। ये देखिए, देखिए कोलियस। तो चलिए फिर देख लेते हैं, और इस वाले प्लांट की भी मैं आज करूँगी। इसकी देखिए, इसके रूट पूरे भर गए हैं, और इसकी, इन दोनों प्लांट्स की मैं आज शाम तक, हो पाए मौसम सही रहा तो करूँगी, अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं, प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा पसंद आए तो, और जो भी भाई बहन पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, हौसला बढ़ाएं हमारा। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड, ये पीपल का प्लांट है पूरी तरीके से, देखिए रूट बाउंड, ये देखिए पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया था। इसको मैं इस पर रिपोर्ट कर रही हूँ, और इसके नीचे मैंने ये हरी पत्तियाँ ही डाली हैं, मैं बता दूँ आपको। ये देखिए ये कनेर की पत्तियाँ हैं, इसमें फंगस का डर नहीं रहता है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, तो ये अपने आप में ही एक पेस्टिसाइड का काम करता है। तो ये पत्तियाँ मैं नीचे इसके भर के, ऊपरी वाली मिट्टी भर के, अब इसको मैं इसमें लगा दूंगी। कोई सा भी प्लांट हो आपके गार्डन में, अगर आप उसको ऐड करते हो तो वो हेल्दी लगना चाहिए, देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, मुरझाया हुआ सा, झुका सा, लेगी सा प्लांट आपके गार्डन की ब्यूटी को कम करता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी, और ये है एग्जोरा का प्लांट, इसकी पत्तियाँ देखें बिल्कुल पीली पड़ गई हैं, और ये ग्रो नहीं कर रहा था, तो इसकी भी मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। मैं इस पॉट में करूँगी, एक्जोरा इस पर लगा हुआ था और पीपल इस पर लगा हुआ था, तो मैं इस पॉट के अंदर भी यही भरने वाली हूँ, कनेर की पत्तियाँ, थोड़ी सी मिट्टी, फिर कनेर की पत्तियाँ, और ये थोड़ा सा ये डीकम्पोस्ट हुआ, ये मेरा काउ डंग है उपले गोबर के, इसको क्रश करके डालूंगी, और फिर मिट्टी, उसके बाद में ये देखिए इसके रूट देखिए, स्टेम देखिए, फिर मैं इसको लगा दूंगी। और ये है मेरा पीपल जो खुद ब खुद मेरे गार्डन में उगाया था, तो गार्डन है तो सारे प्लांट होने चाहिए, कभी भी किसी भी प्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक्जोरा को भी रिपोर्ट कर दिया, आज थोड़ी बारिश बंद है,
और बारिश में काम नहीं हो पाता। आज थोड़ा सूखा था तो मैंने शाम को देखे दो प्लांट मेरे रिपोर्ट हो ही गए, ये पीपल और ये। मेरा मानना है प्लांट्स भले आपके गार्डन में कम हो लेकिन जितने हो हेल्दी तो लगें, सुंदर लगें, सिस्टमेटिक लगें। इधर उधर से लटक रहे हैं, पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये पीपल के प्लांट को भी अच्छे से रिपोर्ट कर दिया। ये भी अब बहुत सुंदर सा हेल्दी सा लगेगा और रिपोर्टिंग के बाद तो कोई भी प्लांट थोड़ा सा उसकी हालत सुधर ही जाती। अब देखते हैं अंजोरा की हालत सुधरती है या नहीं। अब देखिए मैं इस कनेर और इस वाले चंपा प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी। अभी थोड़ा उजाला है तो कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त से ये पॉट में से बाहर निकला है। देखिए अब इधर कुछ मैं वेस्ट, कुछ सूखी पत्तियाँ और ये सब गोबर के टुकड़े नीचे भर के और फिर इसी मिट्टी में मैं वापस इसको लगा दूँगी। और आज तो इस चंपा के प्लांट को नहीं कर पाऊँगी, कल अगर मौसम सही रहा तो मैं कर दूँगी। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसकी रूट को ऐसे कैंची से प्रून कर दूंगी। ये देखिए अंधेरे में नहीं दिख रहा है पर ये जो रूट प्रूनिंग होता है ना, ये प्लांट को नई ज़िंदगी दे देता है। ये मैं पूरा नीचे नीचे का रूट प्रून करके उसके बाद ही लगाऊंगी आपको। मैं ये दिखाने के लिए ही इसको मैं बता रही हूँ पर कट करते मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये रहा वो प्लांट, रात के अंधेरे में दिख नहीं रहा था।